एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो। काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी कि जोश इंडिया पे जो नए लहंगे आए हैं मैम उनका रिव्यू करो, और अभी पता है 2-3 दिन पहले ही आए हैं वो लहंगे, और मैंने सोचा चलो फटाफट से आपके साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज मुझे भी पर्सनली वो लहंगे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, बहुत क्लासी लग रहे थे, एंड देखते हैं कैसे निकले। तो जोश इंडिया जो एक एथनिक वियर की वेबसाइट है, यहाँ से आप एथनिक वियर परचेस कर सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। यहाँ पे आपको पूरा न्यू कलेक्शन देखने को मिल जाता है, लाइक साड़ीज़ हो गई, लहंगे हो गए, या फिर आप सूट, कुर्ता, प्लाजो कुछ भी लेना चाहते हो ना, सब यहाँ से परचेस कर सकते हो। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल होता है, एंड ईजी रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आप ये डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सारे जितने भी लहंगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें बाय भी कर सकते हैं। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये जो मैंने ब्लाउज पहन रहा है काफ़ी लोग पूछेंगे, तो मैं पहले ही बता देती हूँ ये ब्लाउज मैंने मीशो से परचेस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है। साड़ी मैंने अमेजोन से परचेस किया है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है, मैं साइड में क्लिप देने का ट्राई करूँगी फुल साड़ी पहनने पर कैसी लगती है, एंड लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला लहंगा जो मैं आपके साथ शेयर कर, मुझे बहुत बहुत पसंद आया, एंड जोश इंडिया की पैकेजिंग इस तरीके की मिल जाती है, ये इनमें पॉली कवर मिल जाता है, जिप कवर देखने को, और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आते हैं, मतलब इतना सा पार्सल आता है उसमें चार लहंगे इतने अच्छे से रैप होके आते हैं ना, इस तरीके के लहंगे आते हैं, बहुत अच्छी पैकेजिंग आती है। तो सबसे पहले मैंने इसे कल ही खोल के देख लिया था, मुझे मतलब वेट ही नहीं हो रहा था कि कितना अच्छा लहंगा है ये वाला, और जब से पिक्चर में देखा था तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो कल ही खोला था और सच में बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे ये वाला लहंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका लहंगा बताती हूँ, लहंगा आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एज इट इज़ जैसा मैंने पिक्चर में देखा था वैसा की वैसा कलर है, वैसा की वैसा डिज़ाइन है, एंड उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मेरे हाथ में आने पर, क्योंकि देखो आपको कितने अच्छे से ये शाइन कर रहे हैं ना, सारा ये एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया और उसके ऊपर प्लास्टिक मिरर जो होते हैं वो लगवाए हुए हैं, एंड बहुत सुंदर लहंगा है। इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा मिल जाएगा, जॉर्जेट फैब्रिक पे है, एंड पूरे पे आपको इस तरीके का काम देखने को मिल जाएगा, मैं आपको फुली दिखा भी नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा फ्लेयर है इस लहंगे में, एंड कलर आप देख सकते हो कितना ट्रेंडी है, आउटस्टैंडिंग है, एंड सबसे अच्छी बात है लहंगा फुल स्टिच्ड आएगा, एंड अप टू 42 यानी कि एक्सल डबल एक्सल साइज़ में आराम से आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसमें ऐसी डोरी देखने को मिल जाएगी, इसमें आप टैसल्स लगवा सकते हो, एंड यहाँ पर आप साइड में जिप है इसमें, तो बहुत ही अच्छा है, मतलब सेम स्टिच नहीं है, स्टिच टाइगर फुल, बस लाओ और पहनो। अंदर की साइड इन्होंने सबसे पहला तो ये जॉर्जेट का फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है जिसके ऊपर काम किया हुआ है, फिर साटिंग की इन्होंने ये वाली लाइनिंग दी हुई है, प्लस इसमें आपको कैन मिल जाएगी, तो अलग से कैन लगवाने की, पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अमेजिंग लहंगा है, कि फ्लेयर इतना ज़बरदस्त है ना, बहुत ही फ्लेयरी लहंगा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है पहनने के बाद, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो डेफिनेटली इस वाले लहंगे को तो आप बाय करना। ब्लाउज है जो कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है, बहुत ही अमेजिंग सा ब्लाउज है, पूरा साटिन फैब्रिक जो है उसमें आपको ब्लाउज मिलेगा, एंड पूरे पे आपको इस तरीके का काम देखने को मिल जाएगा, आप साइड में इमेज देखना, जैसी मॉडल ने पहना हुआ है ना वैसा कि वैसा एज इट इज़ ब्लाउज है, उसमें इन्होंने स्लीवलेस जो है स्टिच करवा रखा है, मैं भी उसी तरीके का स्टिच करवाऊंगी, एंड इस तरीके का पूरा ब्लाउज देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा ब्लाउज है, पूरे ब्लाउज पे आपको प्लास्टिक मिरर और एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी, 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज है यानी कि आपके एक्सल और डबल एक्सल साइज़ में भी आराम से आ जाएगा, एंड इसके लिए इन्होंने एक्स्ट्रा कपड़ा भी दिया हुआ है, अगर आप स्लीव्स बनवाना चाहें या फिर कोई और डिज़ाइन से इसे स्टिच करवाना चाहें तो एक्स्ट्रा इन्होंने कपड़ा दिया हुआ है, एंड फिर इसकी आती है दुपट्टा, दुपट्टा आप देखोगे बहुत सुंदर है, मतलब जब इन्होंने लहंगा और ब्लाउज काफ़ी हैवी कर दिया तो इन्होंने दुपट्टा बिल्कुल लाइट वेट मोनोनेट का रखा है, जिसमें आपको पूरा 2.5 या 2.25 मीटर का दुपट्टा मिलेगा, और चारों तरफ बस ये लेस देखने को मिल जाएगी, मतलब बिल्कुल सिंपल है, पर लहंगा
आउटस्टैंडिंग है, मुझे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ्लेरी लहंगा है तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। डेफिनेटली आप मुझे इस लहंगे को आगे पहनते हुए देखोगे, देखूंगी मैं इस ब्लाउज़ कैसे स्टिच करवाती हूँ। बस फटाफट से मैं सोच रही हूँ कब तो ब्लाउज स्टिच करवाऊँ इस लहंगे का। अब जो नेक्स्ट वाला लहंगा मैं परचेज किया है, ये तरीके का आपको लहंगा मिलेगा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा फॉर हल्दी। हल्दी के लिए बहुत अच्छा है, मेहंदी के लिए भी अच्छा है, ग्रीन कलर इसमें है मिक्स थोड़ा थोड़ा, लेकिन हल्दी के लिए तो परफेक्ट है। तो अगर आप अपनी हल्दी पर कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हो नए पैटर्न में, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और इस तरीके का आपको इसकी वेस्ट मिल जाएगी, वेस्ट पे पूरी एम्ब्रॉयडरी सिक्वेंस का काम किया गया है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। एंड नीचे की साइड आपको पूरा लहंगा इस तरीके का मिल जाएगा, नेट का लहंगा है, नेट के ऊपर सिक्वेंस लगाए गए हैं और अंदर की साइड इन्होंने साटिन फैब्रिक यूज़ किया है। बहुत अमेजिंग है, बहुत फ्लेरी लहंगा है, पूरा स्टिच्ड मिलेगा। एंड यहाँ पे इन्होंने साइड में चेन दी हुई है, यहाँ पे टसल्स लगा सकते हो। नीचे की साइड अंदर कैंकेन देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको कैंकेन अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है, पैसे वैसे खर्च नहीं करने हैं, बस लाना है और पहनना है, ब्लाउज स्टिच करवाओ और पहन सकते हो, मतलब ओनली वन डे का काम है। तो इस तरीके का आपको ये वाला बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा मिलेगा। फ्लेयर की मैं बात करूँ, सभी लहंगों का फ्लेयर 4 मीटर का फ्लेयर है, जो कि काफ़ी फ्लेयरी है और बहुत ही अमेजिंग कलर एंड कॉम्बिनेशन है इस वाले लहंगे का। अब मैं आपको इसका दुपट्टा बताती हूँ, मतलब बिल्कुल सिंपल दुपट्टा है। एंड दुपट्टे में आपको चारों तरफ लेस देखने को मिल जाएगी, इस तरीके की लेस है, 2.25 मीटर का दुपट्टा है। एंड सिंपल है, मोनोनेट है, क्योंकि लाइट दुपट्टे अच्छे लगते हैं, लहंगा काफ़ी हैवी है, ब्लाउज काफ़ी हैवी है, तो दुपट्टा तो बिल्कुल लाइट होना बनता है। तो इस तरीके का आपको ये वाला दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको इसका ब्लाउज बताती हूँ, जो कि बहुत सुंदर है। ये पूरा बेंगलोरी सिल्क में ब्लाउज है। एंड आपको साइड में इमेज लगाऊंगी, कितना प्यारा ब्लाउज है ये, बनने पे स्टिच होने पे बहुत अच्छा लगेगा। पूरी आपको इसमें हैवी एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी। ये इन्होंने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए इन्होंने ये वाला ब्लाउज दिया है। एंड पूरे पे आपको एम्ब्रॉयडरी सिक्वेंस का काम देखने को मिल जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड इसमें आप इनर लगवा लो और स्टिच करवा सकते हो, फुल स्लीव से ही स्टिच करवाना, ब्लाउज काफ़ी हैवी इन्होंने दिया है। एंड स्लीव्स के लिए इन्होंने अलग से इस तरीके का फैब्रिक दिया है, तो आप आराम से इसमें फुल स्लीव से स्टिच करवा सकते हो, जैसा बिल्कुल इमेज में दिया हुआ है। बहुत अच्छा लगेगा पहनने के बाद, बहुत अमेजिंग लुक आएगा। एंड पूरा 80 या 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज है, तो आप अगर एक्सल डबल एक्सल साइज में भी हो तो भी आप आराम से इसे पहन सकते हो। अब जो थर्ड वाला लहंगा, थर्ड वाला लहंगा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है, सेम पैकेजिंग है। मेरे दो लहंगे फेवरेट हैं, एक तो पिंक वाला, एक ब्लू वाला। आप मुझे कमेंट करके बताना आपकी क्या चॉइस है, आपको कौन सा वाला लहंगा सबसे ज़्यादा इनमें से पसंद आया, मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना यार। मुझे ना कमेंट पढ़ना आपके बहुत अच्छा लगता है, एंड मुझे भी तो पता चले किस किस की क्या क्या चॉइस है। मेज में देखने पर बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा था, एंड इसका ब्लाउज जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो इस तरीके का इसका लहंगा मिलेगा, जो कि बहुत सुंदर है। मैंने इसे भी खोल के देखा था, मतलब मैंने दो लहंगे खोले थे पहले, सबसे पहले मिलने पे, एक तो वो पिंक वाला, एक ये वाला। तो अब ये वाला लहंगा मैं आपको बताती हूँ, ब्लाउज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके ब्लाउज में आपको एक में स्लीव्स मिल जाएगी, एक मतलब स्लीव लेस आएगा, स्टिच करवाने पे बहुत अच्छा लगेगा, कुछ नया पैटर्न है, कुछ न्यू है। एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ब्लाउज, इसका बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर है। तो सबसे पहले मैं आपको लहंगा बताती हूँ, इस तरीके का आपको नेवी ब्लू, जो डार्क वाला नेवी ब्लू आता है, उस कलर का लहंगा मिल जाएगा। एंड पूरे पे आप गोल्डन गोल्डन जो काम देख रहे हो, ये पूरा सिक्वेंस का काम किया गया है। वेस्ट आप देख सकते हो इसकी अप टू 42 है। स्टिच्ड लहंगा मिलेगा, आपको स्टिच नहीं करवाना पड़ेगा, कैंकेन इसमें लगी हुई मिलेगी और फुल लहंगा आपको इस तरीके का मिलने वाला है। पूरे में सिक्वेंस लगाए हुए हैं, पहनने के बाद इसका फ्लेयर, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग लग रहा है। एंड मेरे पास पिंक कलर बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मुझे लगा था कुछ ब्लू कुछ नया ट्राई करते हैं। मुझे डार्क कलर भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये पूरा जॉर्जेट फैब्रिक में मिलेगा। एंड फ्लेयर देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा है। इन्होंने अंदर इसमें साटिन की लाइनिंग दी हुई है, हाँ साटिन की लाइनिंग मिल जाएगी इसमें अंदर, और फिर इसमें अंदर आपको कैंकेन देखने को मिल जाएगी, तो कैंकेन भी नहीं लगवाना। और फ्लेयर अच्छा है,
लहंगा ऑल ओवर काफ़ी अच्छा लगा मुझे. एंड इसके साथ का जो इन्होंने ब्लाउज़ दिया है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. लाइक इस लहंगे का जो लुक आ रहा है वो ब्लाउज़ से आ रहा है. तो अगर आप ब्लाउज इसमें स्टिच करवाना चाहते हो तो एज इट इज़ वैसा ही स्टिच करवाना जैसा दिया हुआ है पिक में. बहुत अमेजिंग है. पूरा फ्लावर प्रिंट में आपको ये वाला ब्लाउज़ मिल जाएगा. जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर इन्होंने फ्लावर प्रिंट दिया हुआ है. एंड पूरा इन्होंने जो काम किया हुआ है ये एम्ब्रॉयडरी है. यहाँ पर इन्होंने प्लास्टिक मिरर लगाए हुए हैं. एंड मैं सेम वैसा कि वैसा स्टिच कराऊंगी. ये इसका बैक है, ये इसका फ्रंट पार्ट है. अभी ये लहंगे बिल्कुल जस्ट जोश इंडिया पे आए हैं, बिल्कुल न्यू है. मे बी किसी ने रिव्यू नहीं किया है तो फटाफट से जाके बाय कर लो. इस तरीके का आपको ये ब्लाउज मिलेगा. अब इन्होंने स्लीव्स के लिए इन्होंने अलग से इसमें फैब्रिक दिया हुआ है जो पूरी आपकी वन स्लीव्स बन जाएगी इसमें अच्छे से. और एक आप स्लीवलेस रख सकते हो. और इसका जो दुपट्टा है इन्होंने बिल्कुल सिंपल दिया है. ब्लू कलर का दुपट्टा है, नेवी ब्लू कलर का. एंड ये आपको मोनोनेट में मिल जाएगा. साइड में इस तरीके की लेस देखने को मिल जाएगी. और 2.25 मीटर का पूरा दुपट्टा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है. आप इसे अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो. और वैसे अगर आप दुपट्टा नहीं भी लगाना चाहो तो भी बहुत अच्छा लगेगा ये वाला लहंगा. स्टिच कराने के बाद ब्लाउज का और इस लहंगे का लुक ही अलग आने वाला है. तो डेफिनेटली ये वाला लहंगा आप परचेस कर सकते हो इस वेडिंग सीजन में इन अफोर्डेबल प्राइस. अब जो लास्ट लहंगा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. इस तरीके का आपको लहंगा मिल जाएगा. ये रानी कलर में है, डार्क वाला जो पिंक कलर आता है मर्जेंटा कलर में, उस कलर का आपको ये लहंगा मिलेगा. सेम वैसे की वैसी पैकेजिंग मिल जाएगी. और इस लहंगे का फ्लेयर, मोस्टली जो लहंगे हैं उनका फ्लेयर 4 मीटर है, लेकिन ये वाला और येलो वाला ये दो लहंगे थे जिनमें इनमें फ्लेयर आपको 5 मीटर देखने को मिल जाएगा. पहले मैं आपको इसका ब्लाउज़ बताती हूँ. ब्लाउज़ इन्होंने काफ़ी हैवी इसमें ब्लाउज़ दिया है. एंड ब्राइड के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा है ये वाला लहंगा इन अफोर्डेबल प्राइस. ब्राइड के अकॉर्डिंग अगर आप कोई लहंगा परचेज करना चाहते हो अफोर्डेबल प्राइस में तो डेफिनेटली इस वाले लहंगे को ट्राई कर सकते हो. इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल सॉरी ब्लाउज़ देखने को मिल जाएगा. यहाँ पे इन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है, सिक्वेंस लगवाए हुए हैं. गोल्डन और वाइट थ्रेड से आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, प्लस बीच बीच में गोल्डन सिक्वेंस का काम मिल जाएगा. पूरा 90 सेंटीमीटर का इन्होंने ब्लाउज का फैब्रिक दिया हुआ है जिसमें आप स्लीव्स वगैरह बनवा सकते हो. इसका लहंगा आपको बिल्कुल प्लेन देखने को मिल जाएगा क्योंकि इन्होंने ब्लाउज और दुपट्टा इसमें काफ़ी हैवी रखा है. एंड लहंगा बिल्कुल प्लेन रखा है. ये पूरा 5 मीटर के फ्लेयर में आपको लहंगा मिलने वाला है. अप टू 42 इसकी वेस्ट साइज है. पूरा मर्जेंटा कलर में आपको ये लहंगा मिल जाएगा. बिल्कुल प्लेन है, स्कर्ट जैसा है, लेकिन फ्लेयर काफ़ी अच्छा है. पूरा जॉर्जेट फैब्रिक में है. अंदर इन्होंने साटिन इसमें यूज़ किया है. अंदर की साइड आपको कैन देखने को मिल जाएगी, यानी कि इन्होंने इसमें कैन लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल अच्छा है, गर्लिश भी है, ब्राइट के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा है. एंड कुछ नया लुक है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. मतलब जैसा एज इट इज़ पिक्चर में देखा था वैसा कि वैसा मुझे लहंगा मिला है. तो इस तरीके का आपको लहंगा मिल जाएगा जो कि एक्सल डबल एक्सल साइज़ में भी आपके आराम से आ जाएगा. अब दिखाती हूँ आपको मैं इसका दुपट्टा. दुपट्टा इन्होंने बहुत हैवी रखा है. तीनों जो लहंगे थे उनके दुपट्टे बहुत ज़्यादा लाइट थे, लेकिन इसमें जो है इसका दुपट्टा काफ़ी अच्छा इन्होंने रखा है. पूरा इस तरीके का हैवी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा मिल जाएगा जो कि 2.25 मीटर से भी ज़्यादा है. एंड पूरे में एम्ब्रॉयडरी और सिक्वेंस का काम देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी नीटली इन्होंने किया हुआ है. चौड़ाई आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, तो आप अलग अलग तरीके से इसे स्टाइल कर सकते हो. कलर बहुत अच्छा है. एंड डेफिनेटली इस लहंगे को बाय करना चाहते हो अपने वेडिंग के लिए या फिर आपके घर में वेडिंग है उस अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. चारों लहंगे जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं सबकी क्वालिटी 1 से बढ़ के 1 है. कलर कॉम्बिनेशन सबके अच्छे हैं. तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा. तो आई होप गाइस आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. और अगर वीडियो पसंद आया तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.